अब ये सामग्री लेकर मिलेगा, थोड़े से सभी खड़े हो जाएंगे, आप ये घी ले लेंगे, घी के दाम से मिलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन और अब पूर्ण आहुति माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। ओम भूर्व स्वः ये मतलब के ये छोड़ के ओम भूर्व स्वः धीमहि प्रचोदयात् ओम भूर्व स्वः धीमहि प्रचोदयात् ओम भूर्व स्वः ने ये सामग्री सब डाल दी। धृत आहुति पूर्ण आहुति और पूर्ण आहुति पूरी आहुति आरती के लिए खड़ा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय परिवहन मंत्री, आरती के लिए कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और डीटीसी के सीएमडी सहित सभी दिल्ली ट्रांसपोर्ट का परिवार, दिल्ली परिवहन निगम के सभी कर्मचारी शामिल इस हवन पूजा। अभी अभी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये पूर्ण आहुति दी गई है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हवन और दिल्ली के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रिक बस। प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, अश्मेघ आदि रचाए, यज्ञ पर उपकार को, दम मरे आदा उप चला कर, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की भावनाएं शुद्ध होवे, यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो, हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वज्ञ हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वास भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदम मम का सार तक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम करते रहे, नाथ करुणा करुणा आपकी सब पर रहे, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, हो शंकर भगवान की जय। आरती देर सबको भोग लगवा, श्री राधे राधे, हाँ। दिल्ली परिवहन निगम आज के इस कदम से एक नया इतिहास रचने जा रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस, जी हाँ, धुआं रहित, प्रदूषण रहित बसों का ये संकल्प इस हवन के माध्यम से अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय और उनके साथ सभी उच्च अधिकारियों ने किया है। शांति शांति ओम शांति हरि ओम नमः, शांति हरि ओम नमः, अपनी जगह मतलब प्रदक्षिणा कर लो, वहीं घूम जाओ। सभी प्रकार की सफलता के लिए ये हवन हमें परमपिता सफल करे। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचेंगे E44, जी हाँ, वो बस जो दिल्ली का नया रास्ता, प्रदूषण रहित दिल्ली बनाने का संकल्प जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया है, जिस प्रदूषण के खिलाफ जंग में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार कार्य किया है, आज एक और कदम
बढ़ाने जा रहे हैं। ये E44 आईपी डिपो से प्रगति मैदान, एक बस जो इलेक्ट्रिक बेड़े की पहली बस है, ऐसी 300 बसें जल्दी दिल्ली के सड़कों को शोभायमान करेंगी। अब उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से और फिर मुख्यमंत्री महोदय इस बस की सभी सुविधाओं को अपनी आंखों से जो सपना देखा था उस सपने को पूरा साकार किया है। सबका हाथ हिलाकर अभिवादन दिल्ली की जनता का, दिल्ली की जनता को बेहतरीन सुविधा देने के लिए। बस के सारथी ड्राइवर से बात करते हुए सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझते हुए दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री, साथ ही परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, साथ ही स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, दिल्ली के डीटीसी के सीएमडी भी साथ मौजूद। बस की तकनीक के विषय में जानकारी ले रहे हैं और उसके बाद बस में जो व्यवस्थाएं हैं, आप जानते हैं ये 12 मीटर लंबी बस है, लो फ्लोर बस है और साथ ही ये बस वातानुकूलित है। मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध, सामाजिक दूरी है बहुत जरूरी, थोड़ा सा सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए आप एक एक क्षण को कैद करें, क्योंकि आपके माध्यम से दिल्ली जाने की एक नए कदम को। दिल्ली की इस बस की विशेषता है ये जीरो स्मोक यानी कि धुआं रहित बस, 100% इलेक्ट्रिक बस है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम दिल्ली परिवहन निगम आज उठा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, आदरणीय परिवहन मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति के साथ और पूरा ट्रांसपोर्ट परिवार, मुख्यमंत्री जी अब बस के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देख रहे हैं। प्रदूषण रहित बस जी, और इस बस की विशेषता दिव्यांग जनों के लिए इसमें नीलिंग रैंप है जो उन्हें उतरने और चढ़ने में इस बस में सुगमता देगा। जीपीएस के साथ इस बस को लाइव ट्रैक किया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, सीसीटीवी जैसी खासियत और इसके साथ महिलाओं के लिए विशेष आरक्षित सीटें और उनका रंग भी पिंक। तो ये बस की कुछ व्यवस्थाएं, लगभग 300 बसें आने वाले समय में दिल्ली में दौड़ेंगी, दिल्ली की सड़कों को नई शोभा देंगी ये बसें, दिल्ली की जनता को आरामदायक परिवहन व्यवस्था का आनंद देंगी ये वातानुकूलित बसें। प्रदूषण के नाम पर शून्य प्रदूषण इन बसों का, और यही विशेषता जो दिल्ली को, हम सब जानते हैं दिल्ली परिवहन निगम एक ऐसा निगम है जिसके पास सबसे बड़ा बेड़ा सीएनजी बसों के लिए है, और आने वाले समय में हमारी कामना यही कि हम इलेक्ट्रिक बसों के भी सबसे बड़े बेड़े के संचालक हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय बस का बारीक निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक बात जान लेना चाहते हैं कि जैसा संकल्प लिया था ये बस साकार रूप में, जो स्वप्न देखा था साकार रूप में, ये स्वप्न वही है। और अब आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय इस बस को फ्लैग ऑफ करेंगे, कुछ ही क्षणों में मंच पर होंगे। तो ये बस E44 अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसे अब गति मिलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही परिवहन मंत्री महोदय बस के आगे खड़े हैं। मीडिया के अनुरोध पर हमारे कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशल कमिश्नर, डीटीसी के एमडी, सभी हमारे अधिकारी वहां मौजूद। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आएंगे। मेरा अनुरोध आप सबसे जो बीच में आ गए हैं, मीडिया से भी मेरा अनुरोध, बस यहां से गुजरेगी, फ्लैग ऑफ करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो प्लीज रास्ता छोड़ दें। प्लीज ऑल द मीडिया पर्सन्स, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज, आप लोग प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। सर सर प्लीज, ये बस पीछे से आपके निकलेगी, सभी से अनुरोध प्लीज सामाजिक
दूरी का ख्याल रखेंगे सब लोग। आदरणीय मुख्यमंत्री जी झंडी दिखा रहे हैं, फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। देखिए आने वाला सुनहरा कल, दिल्ली का हरित कल, दिल्ली का प्रदूषण मुक्त कल, और ये बस आज एक नया इतिहास रचने के लिए ठीक मुख्यमंत्री जी के सामने से मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, एक हाथ से झंडा दिखा रहे हैं। ये पहली यात्रा देख सकते हैं, पिंक सीट, मार्शल, कंडक्टर, ड्राइवर सभी उपस्थित, बहुत ही शानदार व्यवस्था। और मीडिया से मेरा अनुरोध, थोड़ी सी दूरी बनाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। बहुत हेलो हेलो करें शुरू। वो आपका किसी का ये गिर गया, उठा दो ये। आज पहली दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस सड़क पे उतरी है। ये इंसिडेंट कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जबकि बिजली से चलने वाली पहली बस आज सड़क पे उतरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर धीरे 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 करके जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पर आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप लोगों ने देखा, जब बस चली ना तो इसमें आवाज़ आती और एक ज़रा सा भी धुआं, जीरो एमिशन है, कोई भी धुआं इस बस से नहीं निकलता। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आज पहली बस गई है और अप्रैल तक हमें उम्मीद है 300 बसें आ जाएंगी, और हमारा टारगेट है उसके बाद 2000 और बसेस अगले कुछ वर्षों के अंदर, 2000 और इलेक्ट्रिक बसेस लाने का। एक और भी आज बड़ी बात ये हुई है कि 2011 से के बाद से आज तक डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई थी। कुछ ना कुछ ग्रहण लगा हुआ था, कुछ जिंक्स लगा हुआ था, जब भी कोशिश की जाती थी तरह तरह की अड़चने आ जाती थी। मैं समझता हूँ कि आज इस पहली बस ये आज डीटीसी के बेड़े में आई है, ये क्लस्टर में नहीं है, डीटीसी की ओनरशिप में है। तो आज हमने हवन भी किया, सब भगवान से भी प्रार्थना की है। हम समझते हैं कि ये जिंक्स टूटेगा और अब डीटीसी के अंदर और नई बसें आनी चालू होंगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हाँ, चार्जिंग 1 से 1.5 घंटा फास्ट चार्जिंग में ये है, एक चार्ज में 120 किलोमीटर मिनिमम 120 किलोमीटर ये बस चल लेती है। और जितने भी हमारे डिपोज हैं सबको, सब में चार्जिंग की व्यवस्था अब की जा रही है। और एक बार चार्जिंग, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे की फास्ट चार्जिंग में ये कंप्लीट हो जाती है। पंजाब में चुनाव टालने को लेकर एक अभी यहाँ पे ये सरकारी मीटिंग है, तो सरकारी क्वेश्चन अगर सरकार से संबंधित हो, राजनीति बाद में। देखिए आरोप प्रत्यारोप से तो बीमारी खत्म नहीं होने वाली, तो मैं समझता हूँ मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा कि हरियाणा जिम्मेदार है, पूरा देश अपना है। पूरे देश में कहीं भी कोरोना है तो कोरोना खत्म होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, हरियाणा में कोरोना ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात नहीं है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अब इस दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे।
पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। बस के रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है आपके, किस बारे में? कोविड आज काफी कम केसेस आए हैं। आज शाम को जो बुलेटिन आएगा उसमें लगभग